नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपको मेमोरी ट्रेनिंग बता रहा था, ठीक है। मेमोरी ट्रेनिंग में मैंने पहला वीडियो जो बनाया था बेसिक के ऊपर बताया था, सेकंड वीडियो जो मेरा था वो कैलेंडर्स के ऊपर था। कैलेंडर्स को आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप कैलेंडर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा फास्ट अपने काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें लिखा हुआ है 4 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, और ये रियलिटी है, आप 4 सेकंड से भी कम टाइम में आंसर दे सकते हो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर सकते हो तो। क्योंकि कैलेंडर्स को सॉल्व करने की टेक्निक जो है वो बहुत अच्छी टेक्निक है, उस समय भी टेक्निक अच्छी थी और आज भी वो टेक्निक बहुत ज्यादा चलती है और बहुत ज्यादा अच्छी है। जिस तरह से मैंने आपको पूछा कि 1902 अगस्त और 12 बताइए इसको कौन सा डेट था, ठीक है, 12 अगस्त 1902 इसको किस तरह से निकालेंगे, इसका कोडिंग दो, दो का कोडिंग क्या होता है, 2 होता है, अगस्त का 3 होता है, 12 इसको 7 से डिवाइड करते हैं कितना बचेगा, 5, 5 2 7 कट गया 3 आया, तो क्या आया, ट्यूसडे ना। तो इस तरह से आपको फटाफट अपने माइंड में सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी स्पीड से अगर आप कैलेंडर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे तो एक समय आएगा कि आप 1 सेकंड के, मात्र 1 सेकंड में आप अपने आंसर को तुरंत बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए, आप इस चीज की प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, साथ जो टॉपिक मैंने किया था कल, मैंने आपको क्यों बताया कहां से लेके 11 से लेके 21 तक, ठीक है। 21 का आपको बनाना है, 20 का भी आपको बनाना है। क्यों मैं ऐसे आपको बनाने के लिए देता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मैं तो चीजें यहाँ पे मैंने आपको बहुत पहले भी बता चुका है और अभी बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे चीजें आपको याद नहीं करा रहा हूँ, चीजें समझा रहा हूँ कि याद कैसे करनी है, ठीक है। चीजों को मैं क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि याद कैसे करनी है। तो आइए मैं आपको 30 तक वापस से बताता हूँ, 22 से लेकर 30 तक। इसके बाद की जो होंगे, मैंने मतलब मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद YouTube पे और इसके वीडियो डालने चाहिए, क्योंकि आपको इसके बेसिक समझ गए रहेंगे किस तरह से करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद के आप बनाएंगे, इसके बाद के जो भी होंगे वो आप मुझे बना के दिखाएंगे, और 40 से लेके 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक। अब ये कैसे बनेंगे, ये आपको उसी तरह से इमेज में कन्वर्ट करने हैं और डेली 10 करने हैं। डेली 10 करोगे तो आप कर सकते हो। अब जैसे मैंने कल 10 तक बताया था, तो 10 तक बताया था, अभी आपको मैं पूछूंगा कि बताइए 14 का क्या है। तो 14 जैसे बोला आपको 14/5 याद आता है, 14/5 वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे आपके पापा ने पूछा आप वैलेंटाइन डे क्यों नहीं मनाते, आपने बोला कि नौकरी लगेगी तब, तो नौकरी का क्या होगा, MGR, मैंने बोला था नौकरी को फटाफट लिखना, तो MGR, यहाँ पे नौकरी का कोड आप डिकोड करेंगे तो क्या होगा, 274, और 4 का पूछा तो 4 आएगा लास्ट में यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्पीड बनानी है। 15 का पूछा तो 15, 15 अगस्त से आ रहा है, 15 अगस्त में आपको किससे बुलाया जा रहा है, मिमिक्री के लिए, मिमिक्री का क्या होगा, MMR, ठीक है, मिमिक्री। अब इसके डिजिट को कोडिंग करना होगा, तो कितना आएगा, 334, और मैंने 15 पूछा था तो 5 आ जाएगा, 3345। तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, फटाफट अब आपको भी आता रहेगा। अब मैं कोई भी बोलू, 16 बोलू तो आपको 16 से क्या आता रहा है, सिंगार आता रहा है, तो सिंगार जो लेडी सिंगार करती है उनका रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। 18 बोला तो वोटिंग वाला याद आता है, तो आपने लव मी आएगा, लव मी को ब्रेक करेंगे तो आपको कोड मिल जाएगा, 19 याद आया, ठीक है। इस तरह से आपको ये सारी चीजें अगर आप डे में एक दिन भी प्रैक्टिस 10 का भी करते हो तो वो चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। देखो कोई भी चीजें सॉल्व करके बताने तो कोई भी कर सकता है, जब आप क्यूब, जितने टाइम में आप क्यूब लिख के निकालेंगे उतने टाइम में आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे चीजें इतनी आसान कर दी जा रही हैं कि आपको पेन और पेंसिल की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बुक भी कुछ यूज ही नहीं करना है, सीधा सीधा नंबर देखना और सीधा क्यूब बोल देना है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि वो बेटर रहेगा, मेरे ख्याल से तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि आप जितना अपने माइंड का यूज करेंगे उतना आपका माइंड भी ग्रोथ होगा, प्लस आपको चीजें फास्ट लर्न भी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आज 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद की, अगर इसके बाद के क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, अगर आपको इसके बाद की चाहिए तो मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी रहती है, वहां पे जाएंगे आप, लिंक पे क्लिक करेंगे, मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, आप एक बार टेलीग्राम पे जुड़ गए तो वहां पे मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ में आपको सारे मिल जाएंगे और वहां पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर इसके आगे की चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैंने वो सारी चीजें पोस्ट की हुई है, और मेमोरी ट्रेनिंग से सारी चीजें मैं वहां पे पोस्ट करूंगा कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से याद करते हैं, हिस्टोरिकल डेट्स, बैंक्स और उनके हेडक्वार्टर्स, वो कब स्थापित हुए थे बैंक्स, ठीक है, और बुक्स, उनके ऑथर कौन होते हैं, मतलब आप जो भी चीजें बोलेंगे, आर्टिकल्स तक मैं वहां पे पोस्ट करने वाला हूँ कि कितने आर्टिकल्स है, टोटल मैं 70-80 आर्टिकल्स आपको बैठे बैठे याद करा दूंगा, कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे बस, ठीक है, जितनी आपकी स्पीड होगी उस तरह से। तो आइए टाइम ना बिताते हुए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6
अब इसमें 5 डिजिट्स होने वाले हैं, इसके पिछले वीडियो में 4 डिजिट्स होते थे, अब हम 5 डिजिट्स में करेंगे। कितने? क्योंकि इसके 5 डिजिट्स ही होते हैं, तो अब 5 डिजिट्स में कैसे होंगे देखो। जब 22 से 27 तक होते हैं, जब 22 से 27 तक होते हैं तो यहाँ पे हमको 1 ऑटोमेटिक लिख देना है, ठीक है। तो आपके माइंड में तुरंत ये आएगा कि अगर 22 से 27 तक है तो वहां पे ऑटोमेटिक 1 अपने आप आता है, 1 हमको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब 2 का 8 होता है, 3 का क्या होता है 7 होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, ठीक है। तो अभी हम यहां तक पहले कर लेते हैं 27 तक, फिर मैं 28, 29, 30 का आपको बताता हूं, ठीक है। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब 2 से, अब थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान दीजिए इसको कैसे करना है। 2 से हमको डक याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए? डक बत्तख याद आना चाहिए, डक। तो 2 से आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको मैं ऐसा बत्तख बना सकता हूँ इस तरह से, ऐसा थोड़ा सा ड्राइंग खराब है तो आप इतना समझ गए रहेंगे, ठीक है। 2 से हम इसको क्या बना सकते हैं? डक बना सकते हैं, तो आपको 2 से याद आ गया डक, ठीक है। 3 से, 3 इस तरह से होता है, बट इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये इस तरह से दिखना स्टार्ट होता है, हार्ट जैसा दिखना स्टार्ट होता है ना, हार्ट हमारा हार्ट ऐसे है ना, तो 3 को उल्टा करेंगे तो हार्ट जैसा दिखाई देना स्टार्ट होता है, तो 3 भी याद हो गया। 4 से हमको चारों धाम याद आने चाहिए, चारों धाम की यात्रा कौन किया है, इस तरह से हमको चारों धाम याद आने चाहिए, तो 4 से चारों धाम। 5 दिया हुआ है, तो 5 का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, तो ये भाग आपने कहाँ देखा है, आपको ये भाग याद आया रहेगा, ये भाग आपने कहाँ देखा है? जेसीबी में, जेसीबी का ये भाग ऐसा आगे की तरफ होता है ना, इस तरह से ऐसा आगे की तरफ होता है, तो ये आगे वाला पार्ट जेसीबी। तो अब जैसे आप 25 देखेंगे आपको क्या याद आएगा? जेसीबी। अब आप सोच रहे हैं 15 पे भी अगर मुझे याद आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, 15 पे आपने कोडिंग अलग याद की हुई, 15 देखा तो 15 अगस्त याद ही आएगा, 50 से नहीं याद आएगा जिससे भी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके तो देखिए एक बार, 25 से इस तरह से आगे निकला हुआ 25, तो जेसीबी आगे 6 पे क्या, आप एक मैच देखने गए थे, ठीक है, मैच में आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो 6 मारा वो कोलकाता है, ये बताऊंगा आगे, तो 6 से 6 मैच में 6-4 होते हैं, तो आपको 6 याद रखने हैं, ओके। 7 सातो जन्म, ठीक है, 7 जन्म होते हैं ना, तो सातो जन्म, अब बस सातो जन्म तक देख लेते हैं और आगे का भी थोड़ा सा समझ लेते हैं स्ट्रक्चर उनके, फिर फटाफट मैं कोडिंग बता के खत्म कर देंगे। 8 इस तरह से होता है, बट इसको अगर ऐसा घुमा देंगे तो ये चश्मे की जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है, ऑप्टिकल, ठीक है, तो इसको ऑप्टिकल करके आप याद कर सकते हो, ओके। 28 9 जो है ऐसा दिखता है, इसको आप लॉलीपॉप ही बोल सकते हो, इस तरह से लॉलीपॉप होता है ना बच्चों का, देखो जितने ज्यादा फनी इमेज बनाओगे उतना ज्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो 9 को लॉलीपॉप बना दो, ठीक है, 9 से आपको लॉलीपॉप याद आएगा, तो 29 लॉलीपॉप हो गए, ठीक है। आगे 13 दिया हुआ है, 13 का आप निकालोगे, चलो एक तो आप निकालो, 13 का आप निकालेंगे, ओके। तो 13 का सीधा सीधा भी ऐसे होता है, तो उसको अगर आप 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो सीधा आंसर आता है, तो आप उसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, ठीक है, आप तुरंत भी बता सकते हो। अब आते हैं 20 के कोडिंग पे, मैंने बताया था कि इसमें 5 होंगे तो 2 हो गए, अब हमको 3 और फिल करने हैं, इसमें कितने 3 और फिल करने हैं। अब 3 के लिए हमको कोडिंग चाहिए, अब क्या करना है देखो, ध्यान से देखो, 3 के लिए हमको कोडिंग चाहिए, तो 3 के लिए क्या करेंगे देखो, 22 है तो यहाँ पे मैंने बोला डक, आप इमेजिन करो कि आप डक को क्या करो बोल रहे हो कि मुझे, हाँ सॉरी, आप डक को शुगर खिला रहे हो, क्या कर रहे हो, शुगर खिला रहे हो। आप जहां पे रहते हो वहां के बाजू में एक बड़ा तालाब है, वहां पे डक रहते हैं, डक्स रहते हैं, तो आप रोज सुबह सुबह उनको क्या करते हो, शुगर खिलाते हो, शक्कर खिलाते हो, तो शुगर को अगर डीकोड करेंगे तो SGR मिलेगा ना, शुगर, ऐसे फटाफट लिखना है आपको, वोवेल्स नहीं लिखना है, जैसे किसी ने बोला, जैसे शुगर बोला तो आप SGR आना चाहिए, ना कि शुगर की पूरी स्पेलिंग, तो SGR को डीकोड करेंगे तो यहाँ पे 0, जी का 6, इसका 4, तो यहाँ पे फिल कर दो 0, 6, 4, और 2 का तो 8 आ गया था, ठीक है। अब 23 का कैसे निकालेंगे, मैंने 3 से हार्ट बताया था ना, दिल बताया था, दिल, तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपने अपना दिल आंटी जी को दे दिया, क्या कर दिया आपने अपना दिल, किसको दिया, आंटी जी को। देखो मैंने बोला जितना फनी इमेज बनाओगे उतना ज्यादा राइट ब्रेन में जाके शिफ्ट होगा वो, ठीक है। तो आपने अपना दिल किसको दे दिया, आंटी जी को दे दिया, तो आंटी जी का क्या होगा, आंटी जी, ठीक है, इसका वोवेल्स कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 6, तो 2, 1, 6, ठीक है।
आंटी जी बोला तो आपको एन टी जे फटाक से आना चाहिए आंटी जी, क्योंकि ए एन टी तुमको कुछ फायदा नहीं उसमें ए यू में, ठीक है तो फटाफट आना चाहिए। ओके 24 चारों धाम, चारों धाम आप घूमने जा रहे हो, ठीक है मतलब आप घर में हो, आपके पेरेंट्स घूमने जा रहे हैं, तो आपने बोला कि मूव ऑन कहां पे, चारों धाम मूव ऑन, ठीक है क्या मूव ऑन, ठीक है मूव ऑन, तो इसमें क्या आएगा 3 वी का 8 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा 382, तो यहां पे लिख दो 382। ओके तो चारों धाम का मैंने क्या बताया आपको मूव ऑन, ठीक है तो 382 मूव ऑन, आप चारों धाम मूव ऑन करके आइए मतलब घूम के आइए। ओके अब 25 दिया हुआ है, 25 का क्या होगा, 24 का समझ गया, 25 का मैंने क्या बताया था जेसीबी, आपको अभी याद आता रहेगा जेसीबी, तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप जेसीबी के आगे वाले पार्ट पे बैठ के लगान मूवी देखने जा रहे हो, क्या देखने जा रहे हो लगान मूवी, तो लगान का क्या हो जाएगा ऐसा आप लिखेंगे तो एल जी एन लगान फटाक से एल जी एन, एल का क्या हो जाएगा 5, जी का 6, इसका 2, तो 5 2 6 5 6 2, 5 का कोड 5, 1 को एडिट मैंने बोला था ऐड करना है, ओके 6 का ध्यान देते हैं, तो आपको ये समझ गया लगान, मैं एक बार कोड करके दिखाता हूं, लगान ये कट गया, एल का 5, जी का 6, एन का 2, तो 5 6 2 5 6 2 मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है तो इस तरह से आपको ये करना है। 26 का 6 का मैंने क्या बताया, 6 का 6 6 का 6 मतलब 4 और 6, आप मैच देखने जाते हो तो मैच में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो 6 मारता है वो कोलकाता है, कौन है कोलकाता वाली टीम बहुत ज्यादा 6 मारती है कोलकाता, ठीक है कोलकाता टीम वाली बहुत 6 मारती है, इसमें बॉबल्स कट जाएंगे सारे, तो बॉबल्स कट गए तो क्या बचा 7 कोल 5 7, ठीक है 1 हमको लेना नहीं है, क्यों क्योंकि हमको यहाँ पे कितने डिजिट से मतलब है 3 डिजिट से ही मतलब है, हमको 3 नहीं चाहिए ना, तो 7 5 7। ओके कोलकाता वाली टीम क्या करती है सबसे ज्यादा 6 मारती है, ठीक है ओके 27 सातों जन्म, आपकी पहले एक जीएफ थी, ठीक है अब आपकी शादी हो जा रही है, तो शादी के बाद क्या होगा आप अपनी जीएफ को बोलेंगे अब मेरी शादी हो रही है तो अब तुमसे मेरी कभी मुलाकात नहीं होगी, तो अब बाय बाय कर देना उनको, बाय जीएफ बोल देना, ठीक है क्या बोल देना है बाय जीएफ, हमेशा के लिए क्या कर रहे हो उसको जीएफ को बाय बोल दे रहे हो ना, तुम्हारी शादी होने वाली है तो उससे कभी मिलोगे, तो हमेशा के लिए सातों जन्म के लिए उसको क्या बोल दे रहे हो आप सातों जन्म में कभी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि ये बोला जाता है एक बार जिससे शादी हुई तो सातों जन्म तक उससे ही होती है, तो बाय जीएफ, ठीक है उनको बाय बोल दिया तो उसको कोड को क्या कर देंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे जीएफ दिया तो उसको 6 हो जाएगा, इसका 8 तो 968 तो 968, ठीक है तो इस तरह से आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है 968, जितना ज्यादा हो सके उतना फास्ट प्रैक्टिस कीजिए आपके लिए फायदा होगा। 28 ऑप्टिकल बता 28 29 का बच गया था थोड़ा सा, ठीक है 28 29 को हम देख लेते हैं, 28 और 29 30 का आप खुद निकाल लीजिए, इसके बाद के सारे सिंपल्स हैं तो आप उनको खुद से इमेजिन करके कोई भी इमेज बना के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा प्लस बहुत ज्यादा वीडियो बन जाएंगे, ठीक है तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं चीजें यहाँ रटवा नहीं रहा हूँ समझा रहा हूँ, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है तो 28 29 30 आप निकालिए। 28 मैंने आपको बताया था 28 से ऑप्टिकल याद आना चाहिए आपको, चश्मा 8 को उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा गूगल बन जाएगा, ठीक है तो इसको आपको एक चश्मे के रूप में देखना है, ठीक है तो आप चश्मा लगा के हैंडबॉल खेल रहे हो, क्या कर रहे हो आप हैंडबॉल खेल रहे हो हैंडबॉल, ठीक है आप चश्मा लगा के क्या कर रहे हो हैंडबॉल खेल रहे हो, तो वो हैंडबॉल आपके आगे चश्मे में लग गया, तो आप क्या कर रहे थे कैसे चश्मा टूटा हैंडबॉल खेल रहे थे, चश्मा किधर है 8 से, आपको ऑप्टिकल याद आना चाहिए, तो हैंडबॉल को अगर कोडिंग करेंगे तो क्या होगा 2195 दो एल है, बट हमको यहाँ पे एक ही लेना है, ये मैंने आपको बताया था कि दो पे एक ही लेना है, तो 2195 तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2195, 8 का कोड क्या होता है 2 होता है, तो आगे यहाँ पे 2195। 29 का क्या करेंगे, 29 का मैंने 9 का बताया था लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप जो है वो स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि नर्म भी है, क्या है नर्म भी है, तो लॉलीपॉप टेस्टी ही नहीं नर्म भी है, तो 9 से आपको लॉलीपॉप याद आना चाहिए, तो लॉलीपॉप कोडिंग करेंगे तो 2438, तो यहाँ पे लिख देंगे 2438 9 का 9 तो 2438 9, इस स्पीड से आपको फटाफट निकालनी है, ठीक है तो ये हो गया 28 का 29 का, इसके बाद का आपको ही निकालना है। ओके तो ये सारी चीजें आती हैं कि हम भूल गए, ठीक है चलो तो अब आपसे मैं पूछता हूँ 24 का क्या आएगा 24 4 से क्या आना चाहिए चारों धाम 4 से क्या आना चाहिए
चारों धाम, तो चारों धाम में क्या करना है, मूव ऑन करना है, तो मूव ऑन क्या करना है, मूव ऑन, तो आपको पहले यहाँ पे बंद कर देना है, फोर का क्या कर देना है, फोर कर देना है, तो मूव ऑन का क्या हो जाएगा, थ्री एट मूव ऑन है, तो टू, ठीक है, मूव ऑन, ओ का कुछ नहीं और एन से आपको बना देना है, ठीक है, इस तरह से, तो मूव ऑन हो गया। अब आपको जैसे पूछा गया 22 का बताइए, तो 22, तो 2 से आपको डक याद आया, डक को आप क्या करो, शुगर खिला रहे हो, तो आपको पहले 1 बना देना, 2 का ऐड कर देना, शुगर खिला रहे हो, एस 06 शुगर आर 4, तो कितना फास्ट आ रहा है ये, इस तरह से आपको भी करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे कि 26 का बोल दिया, ठीक है, तो 26 कौन मारता है, सबसे ज्यादा कोलकाता 6 मारती है, तो कोलकाता का क्या आएगा, कोलकाता 7 कोल एल आएगा 5 के, ठीक है, कोल का हमको 3 इंच क्योंकि 1 ऐड करना है और 6 है इसलिए 6 का 6 आएगा, आपको समझ में तो आ रहा है ना, 6 आया, 1 आया कोलकाता, तो 7 5 7, ठीक है, इस तरह से, और आपको लिखना भी है तो आप ऐसे पहले प्रैक्टिस कर दीजिए, कोलकाता इस तरह से के लिख के, ठीक है। आगे 23 पे क्या था, हार्ट था, इसको दिल था, तो आपने दिल किसको दे दिया, आंटी जी को दे दिया, हार्ट किसको दे दिया, आपने आंटी जी को दे दिया, तो आंटी जी को कोड करेंगे तो क्या होगा, आंटी जी, तो इस तरह से बनेगा, तो आंटी जी का क्या हो जाएगा, 1216 आंटी जी, तो 23 पे बनाए तो 3 का क्या होगा, 3 का 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मोर देन प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप माइंड में भी इस चीजों को सॉल्व करके आंसर बता सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि वहां पे आप आंसर बुक लो फिर उसके बाद क्यूब निकालो या उनके टेक्निक्स को यूज करो, तो उनके टेक्निक्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है, जिसे 42 का निकालना है, 37 का निकालना है, 37 का निकालना है, तो बोलेंगे पहले इसका क्यूब लिख दो, फिर इसका लिख दो, स्क्वायर लिख दो, फिर उसके बीच का जो बचता है इसके स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई, उसके स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, फिर वो ऐड भी करने बोलते हैं, फिर बोलेंगे इसको ऐड करो उसको ऐड करो, तो इससे अच्छा है कि आप वो चीजें फटाफट आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम जो मिलते हैं आप, मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा हिस्टोरिकल, हिस्ट्री के डेट्स याद करने में बहुत तकलीफ होती है, बट जो वीडियो मैं बताऊंगा लगभग मैं 40 से 50 इसमें मैं आपको पूरे हिस्टोरिकल डेट्स बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से पूरे हिस्टोरिकल डेट्स में आपको तुरंत याद होंगे, मतलब जैसे ही आप नाम देखेंगे आपको तुरंत डेट्स याद आएंगे कि किस तारीख को हुए थे, ठीक है, इतना तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप तुरंत डेट्स बताएंगे कि किस दिन पे ये हुआ था, ठीक है। और क्यों, क्योंकि मैं एक इमेज बनाऊंगा और उसी बैटल से उसको क्या कर देंगे, कनेक्ट करा देंगे, और कनेक्ट करा देंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये कौन से ईयर में हुआ था या कौन से दिन हुआ था। तो इसके क्यूब का आपको आगे का निकालना है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे पता चले कि मुझसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे कोई भी अपडेट होगा तो आप तक वो पहले पहुंचेंगे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब करने में कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्टोरिकल डेट्स को लेके, और एक वीडियो में हम 2020 करेंगे, 21 में करेंगे, 21 में करेंगे, और फिर 20 में करेंगे, ठीक है। ऐसे कम से कम 3 से 4 वीडियो अब मैं हिस्टोरिकल पे ही बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।